नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। सबसे पहला भाग है बी के निर्देशांक। तो बच्चों आइए हम पहले इसकी आकृति को एक बार देखते हैं। देखिए ये एक आकृति है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये बना हुआ है इसका एक्स अक्ष और यह है इसका वाई अक्ष। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको यह आकृति साफ साफ दिखाई दे सके। आशा करता हूं अब भी आपको आकृति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, बी के निर्देशांक। तो आइए बी के निर्देशांक पहले हम ढूंढते हैं कि बिंदु बी है कहां पर। देखिए ये है बिंदु बी, हमें इसके निर्देशांक ढूंढने हैं। तो निर्देशांक के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक्स अक्ष पर सीध देखेंगे। देखिए ये बी बिंदु है, इसे एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, ये लंबी सारी लाइन है एक्स अक्ष की, बी की सीध एक्स अक्ष पर देखेंगे। देखिए ये बी नीचे इसकी सीध आ रही है, एक्स अक्ष पर कितना कितना पॉइंट है, देखिए कितना पॉइंट है, -5। इसका मतलब बी की एक्स अक्ष पर सीध है -5। तो हम क्या करेंगे, जहां हमें बी के निर्देशांक लिखने हैं वहां हम ब्रैकेट लगाएंगे। आपको पता है कि निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और बीच में होता है कोमा। कोमा से पहले होता है एक्स का निर्देशांक यानी कि भुज, और कोमा के बाद होता है वाई का निर्देशांक यानी कि कोटि। तो अभी हमने देखा था बी का जो निर्देशांक आया था वह आया था, देखिए एक्स निर्देशांक आया था -5 यानी भुज आया था -5। तो इसका एक्स निर्देशांक होगा -5। अब हम बी की सीध देखेंगे वाई अक्ष पर। तो देखिए बच्चों ये है वाई अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है बी बिंदु, हम इसकी सीध देखेंगे वाई अक्ष तक। देखिए हम इसकी सीध देख रहे हैं वाई अक्ष तक, तो ये बी बिंदु की सीध वाई अक्ष तक, ये बिंदु कितना है देखिए 1, 2, 3, तो बिंदु कितना है 2। इसका मतलब वाई अक्ष पर बी की सीध आई है 2 यानी बी का वाई निर्देशांक होगा 2 यानी भुज आ गया -5, कोटि आ गया 2, तो बी के निर्देशांक हो गए -5, 2। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। दूसरा भाग है सी के निर्देशांक। अब जैसे हमने बी के निर्देशांक ढूंढे ऐसे ही अब हम इस फिगर में सी के निर्देशांक ढूंढेंगे। देखिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं बिंदु सी कहां है। तो देखिए ये नीचे है बिंदु सी, आइए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक्स अक्ष पर निर्देशांक, तो ये है ऊपर एक्स अक्ष, देख रहे हैं ना आप, ये है ऊपर एक्स अक्ष। सी का, सी की सीध देखेंगे एक्स अक्ष पर कहां जा रही है। देखिए ये है सी, ये एक्स अक्ष पर कहां जाके मिल रहा है बिंदु 5 पर, कहां जाके मिल रहा है बिंदु 5 पर मिल रहा है। इसका मतलब सी के निर्देशांक में इसका एक्स निर्देशांक आएगा 5। अब हम सी का वाई निर्देशांक देखेंगे, ये है वाई अक्ष, देखिए देखिए ये है वाई अक्ष, सी की सीध वाई अक्ष पर कहां आ रही है, सी की सीध वाई अक्ष पर कौन से बिंदु पर आ रही है, -5 पर आ रही है, कौन से बिंदु पर आ रही है, -5 पर आ रही है। इसका अर्थ यह है कि जब हमने सी के निर्देशांक लिखने हैं तो इसका एक्स अक्ष तो आया था 5 लेकिन वाई अक्ष पर निर्देशांक है -5। इसका मतलब सी के निर्देशांक क्या हो गए, 5, -5। आशा करता हूं आपको यह समझ आएगा। तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है इसका, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब इसमें देखिए हमें पता है कोमा से पहले वाला होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक और बाद वाला होता है वाई अक्ष का निर्देशांक, यह है भुज यह है कोटि। एक्स पे देखना है -3, वाई पे देखना है -5 और देखेंगे कौन सा बिंदु बनता है। एक्स पर याद रखना, एक्स पर -3, वाई पर -5। तो देखें, देखिए एक्स अक्ष पर
माइनस तीन, यह है जीरो, यह है माइनस वन, यह है माइनस टू, यह है माइनस तीन। इसका मतलब एक्स अक्ष पर हमारे पास माइनस तीन आया है यहां, लेकिन यह बिंदु नहीं है, वाई अक्ष पर आया था माइनस पांच, वाई अक्ष पर आया था माइनस पांच। तो देखिए यह है वाई अक्ष, वाई अक्ष पर माइनस पांच कहां है, जीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। तो यह है वाई अक्ष पर माइनस पांच, ये था एक्स अक्ष पर माइनस तीन। ये दोनों कहां मिलेंगे, हम दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों यहां के मिलेंगे, देख रहे हो। एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको, देखिए एक्स माइनस तीन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये बिंदु। वाई माइनस पांच है, ये वाई एक्स पर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। तो माइनस थ्री, माइनस फाइव, ये दोनों कहां आके मिलेंगे, यहां। देखिए कहां आके मिलेंगे, यहां आके मिलेंगे, यहां पर इस बिंदु पर आकर मिलेंगे। और इस बिंदु पर यहां कौन सा बिंदु बना हुआ है, यहां कौन सा बिंदु बना हुआ है, ई बिंदु बना हुआ है। तो हमसे उन्होंने पूछा था निर्देशांक माइनस तीन, माइनस पांच द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे बिंदु ई। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा, ना समझ आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर एक बार दोबारा देखिए। अगला भाग है निर्देशांक दो कोमा माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आइए हम फिर से ढूंढें, दो कोमा माइनस चार, इसका मतलब एक्स अक्ष पर दो, वाई अक्ष पर माइनस चार। तो देखें एक्स अक्ष पर दो, एक्स अक्ष पर दो है ये, वाई अक्ष पर माइनस चार, ये है वाई अक्ष, इस पर माइनस चार होगा जीरो से नीचे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। तो एक्स अक्ष पर दो, वाई अक्ष पर माइनस चार, ये यहां आके मिलते हैं, देखिए ये यहां आकर मिल रहे हैं। कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर, और इस बिंदु का नाम क्या है, जी, इस बिंदु का नाम क्या है, जी, दो माइनस चार, एक्स अक्ष पर दो, वाई अक्ष पर माइनस चार, ये आकर जी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये जो हमारा चौथा भाग है निर्देशांक दो कोमा माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु, इसका उत्तर है बिंदु जी। पांचवा भाग है डी का भुज, बिंदु डी ढूंढना है और उसका भुज, भुज होता है बच्चों एक्स अक्ष। तो पहले बिंदु डी लिखिएगा, बिंदु डी है यहां, इसका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर इसकी सीध देख लीजिए, यह है बिंदु डी, यह बिंदु डी, इसकी एक्स अक्ष पर सीध होती है छ, ठीक है बच्चों, तो छ ही इसका भुज होगा। तो डी का भुज कितना हो जाएगा, छ। इसी प्रकार से बिंदु एच की कोटि, कोटि होता है वाई अक्ष का निर्देशांक, तो बिंदु एच, बिंदु एच है यहां पर, इसका कोटि, कोटि यानी वाई अक्ष की सीध, देखिए यह है वाई अक्ष, एच की सीध वाई अक्ष पर देखनी है, तो एच की सीध वाई अक्ष पर देखें, यह आया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो ये कितना संख्या है, माइनस थ्री। इसका मतलब बिंदु एच की कोटि कितनी होगी, माइनस तीन होगी। तो बिंदु एच की कोटि यानी कि माइनस तीन, ठीक है बच्चों। अगला भाग है बिंदु एल के निर्देशांक, तो देखिए बिंदु एल ढूंढते हैं हम, कहां पर है बिंदु L, कहां है ढूंढिए शाबाश, बिंदु L, ये देखिए बच्चों, इसे मैं जूम कर देता हूं, ये है L बिंदु। अब बच्चों अब ध्यान से देखिए, L बिंदु Y अक्ष पर ऊपर की तरफ गया है, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं गया, X अक्ष पर ना तो ये इधर को गया है ना ही इधर को गया है, यानी X अक्ष पर तो ना ये दाएं गया ना बाएं गया, सिर्फ Y अक्ष पर है। इसका मतलब इसका x निर्देशांक है जीरो, क्योंकि x पर ये ना तो इधर बढ़ा ना इधर, ये है ना x अक्ष, ये वाला x अक्ष है, ना इस पर l इधर की तरफ गया ना इधर की तरफ गया, इसका मतलब इसका x निर्देशांक होगा जीरो। और y निर्देशांक के लिए देख लीजिए, y अक्ष पर कहां है, यह है y अक्ष पर, यह जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच पर है, इसका मतलब L के निर्देशांक होंगे 0.5। जीरो क्यों आया, समझ आया ना बच्चों, क्योंकि ये ना तो x अक्ष ऐसे है ना, ऐसे x अक्ष पर ये जीरो पर स्थित है,
ना तो ये इधर है ना ये इधर है, इसीलिए एक्स अक्ष जीरो होगा। इसी प्रकार से देखिए आखिरी पार्ट है हमारा बिंदु M के निर्देशांक, तो देखते हैं बिंदु M कहाँ है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने बिंदु M है। अब ये देखिए बिंदु M एक्स अक्ष पर तो है, लेकिन ना तो ये Y की तरफ ऊपर गया ना Y की तरफ नीचे गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इसका Y निर्देशांक जीरो होगा और X निर्देशांक कितना होगा। देखिए जीरो से बाई तरफ है -1 -2 -3, इसका मतलब इसका X निर्देशांक होगा -3। ठीक है बच्चों, Y निर्देशांक जीरो क्यों है, क्योंकि Y की तरफ को ना ये ऊपर गया ना नीचे गया, सिर्फ X अक्ष पर ही है ये। तो इससे हम क्या सीखते हैं बच्चों, कोई भी बिंदु यदि X अक्ष पर होगा जैसे बिंदु M है तो उसका Y निर्देशांक जीरो हो जाएगा, और कोई भी बिंदु यदि Y अक्ष पर है जैसे L तो उसका X निर्देशांक जीरो हो जाएगा। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी बिंदु किसी भी भाग आप अगर आपको यदि कोई भाग ना समझ आया हो तो वीडियो थोड़ा पीछे जाकर दोबारा देखिए, और यदि आपको ये सभी भाग अच्छे से समझ आए तो हमारी इस मेहनत के लिए एक बार हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।